अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अभी मैं हूँ तीन दरवाज़ा और मैं आया हूँ अहमदाबाद की जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद अहमदाबाद की और गुजरात की सबसे बड़ी मस्जिद है और अहमद शाह बादशाह ने इसको 1424 में अहमदाबाद जब बना था उसी के साथ ही जामा मस्जिद को बनाया गया था। जामा मस्जिद के बीचों बीच ये खूबसूरत हौज है जहाँ लोग वज़ू बनाते हैं और फिर जाके मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। ये हौज बहुत ही खूबसूरत लगती है और दूर से इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। जुम्मा के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। जुम्मा मस्जिद अहमदाबाद के जो तीन दरवाज़ा है और माणिक चौक है उसके बीचों बीच आई हुई है और यहाँ जामा मस्जिद के यहाँ ऊपर इस तरफ दोनों बाजू दो मीनार भी पहले थे लेकिन वो वक्त के साथ गिर गए। ये मस्जिद अहमद शाह बादशाह के कहने पे हज़रत आजम मौज़म बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो अहमदाबाद के वांसड़ा एरिया में आराम फरमा रहे हैं और जहाँ पे उनका रोजा है उन्होंने बनाई थी, वो उस वक्त के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने अहमदाबाद का नक्शा भी उन्होंने बनाया है और अहमदाबाद में ऐसी बहुत सारी जो इमारतें हैं वो उन्होंने बनवाई है। ये मस्जिद 600 साल पुरानी है। इस मस्जिद की तामीर सन 1424 में हुई थी और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब आते हैं जुम्मा के दिन और कभी फेस्टिवल पे। यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है, लोग बहुत सारे लोग इसको देखते आते हैं, यहाँ तक के फॉरेनर भी इसको देखने के लिए आते हैं। अगर आप सबको भी ऐसी जगह देखना पसंद है तो आप भी आए और इस खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा करें। अल्लाह हाफिज़।